तो अब तक तुमने सिर्फ ऐसे ही लोग देखे होंगे जो खाना खाते होंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें जिससे मिलाने वाला हूँ उसने तो पता नहीं खाने का क्या क्या कर रखा है। आज मैंने मेरे बिल्ले की आम की गुठलियां चुरा कर उसकी लस्सी बना दी। वो चोर बाजार की सस्ती रसियन उसके गुठलियों की चटनी बन गई होगी, ना कि लस्सी। वह कुछ ऐसा दिखता है। अरे तो ये लस्सी है तो ऐसा बोलना चाहिए ना, बात को घुमा फिरा क्यों रही है। यह काफी छोटा, गहरा और खट्टा है। गाड़ी है वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये खट्टी, ये तो कुछ मैच ना हुआ। आज मेरे बिल्ले ने मेरा दूध लेकर उसकी चॉकलेट बना दी। साला इसका तो बिल्ला भी नन्नू है, जब तूने उसका दूध निकाला ही था तब उसे पी जाता, इतने ड्रामे करवाने की क्या जरूरत थी। और वह कुछ ऐसा दिखता है। अरे इसने तो हमें पागल समझ रखा है, हमें पता थोड़ी है वो मिल्की बार है, ये गली के किसी भी नुक्कड़ में मिल जाती है। उम्मीद है कि अंदर से भी गुलाबी हो। और जब दूध सफेद होता है तो ये भी सफेद ही होगी ना, गुलाबी के तुम्हारे फूफा जी बना के जाएंगे इसे। अगर तुमने इसकी दोनों वीडियो में नोटिस कराओ तो इसका पैकेट खोलने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं है। साला खाना भी सोचता होगा, इतनी असली हरकतें करने के बाद मुझे खाया जाता है, इससे अच्छा तो मैं इसमें पैक रहता वही अच्छा रहता। ये नहीं उसे सीधे से तरीके से खोल दिया जाए, लेकिन जब तक उसकी नहीं करेंगे जब तक मजा थोड़ी ना आएगा। आज मेरा बिला मनाली से लाया मेरे लिए एक अनोखी अबे ब्रांड। कलुए बिल्ले, जब तू मनाली गया ही था तो इसे भी पंखे पे लटका के ले जाता और इसे वहीं छोड़ के आया था, कम से कम इसकी असली हरकतें तो बंद हो जाती। अब कुछ लोग सोचते होंगे ये बेचारी तो बड़ी भोली सी है, ये तो कुछ जानती नहीं होगी। बेटे ये जानती सब है और समझ भी इसे सब कुछ आता है, लेकिन बेचारे हम जैसे भोले लोग ये समझते हैं कि बेचारी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता होगा। वो कुछ ऐसा दिखता है। ओहो मनाली की ब्राउनी तो देखो, ये मंच जो गली के किसी भी खोखे में मिल जाती है वो ये मनाली से लेके आया है। मैं भी साला किन चूतियों को रोस्ट मारने के लिए। अबे बंद कर भाई, इसे बंद कर।